हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल से जितने ही लोग जुड़ेंगे तो ये चैनल जो है कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। तो सोशियोलॉजी का ये प्रैक्टिस सेट है और आज के क्वेश्चन जो है न्यू क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। यूपी पीजीटी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, लेविस एच मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता को कौन से तथ्य पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं? तकनीकी आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार, लौह अयस्क को गलाना, वर्णमाला, स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? लेविस एच मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता को कौन से तत्व पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। मॉर्गन ने 18वीं सदी में आदिम बर्बर और सभ्य समाज के विकास क्रम को लेखन पद्धति के आविष्कार के आधार पर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत की वैचारिक और अनुभूति परक श्रेणियों में भेद को सामने रखा है? पीए सोरोकिन, सिगमंड फ्रायड, क्रोबर, स्पेंगलर? राइट आंसर बताइए। संस्कृत की वैचारिक और अनुभूति परक श्रेणियों में भेद को सामने रखा है, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, पीए सोरोकिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? समाज एक सप्राण जैविक अवयवी की तरह है, समाज मानव अवयवी की तरह नहीं है, समाज की इकाइयां अचर होती हैं, समाज की प्रत्येक इकाई एक सुनिश्चित सार्वभौम प्रकार का निष्पादन करती है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है, किस पर बल देता है समाज का जैव सिद्धांत? राइट आंसर क्या होगा? समाज का जैव सिद्धांत ये समाज को एक सप्राण जैविक अवयवी की तरह मानता है। ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, तार्किक लक्ष्योन्मुख कार्य टॉनीज गेसेस और फ्रेडरिक एंगल्स, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर मैक्स वेबर, ऐतिहासिक भौतिकवाद स्मेलसर? 4132 3241 4231 3142? राइट आंसर बताइए। सुमेलित करना है, राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है लक्ष्योन्मुख कार्य, तार्किक लक्ष्योन्मुख कार्य ये जो है मैक्स वेबर का है। और गेसेलसॉफ्ट ये टॉनीज का है। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर ये स्मेलसर का है और ऐतिहासिक भौतिकवाद ये फ्रेडरिक एंगल्स का है। 3142 ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। तार्किक लक्ष्योन्मुख कार्य मैक्स वेबर, गैसेस ऑफ टॉनीज, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर स्मेलसर, ऐतिहासिक भौतिकवाद फ्रेडरिक एंगल्स? ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथमतः इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है? संदर्भ समूह गैसेस ऑफ, गेमिंग सॉफ्ट, गॉड समूह? राइट आंसर बताइए। किसके उदय के लिए इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है?
तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, गेसेल साफ्ट। गेसेल साफ्ट इसे जो है समाज या समिति के संदर्भ में देखते हैं। इसके निर्माण के लिए इच्छा शक्ति का होना आवश्यक होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। मध्यवर्गीय समाज, आदिम समाज, सामंती समाज, प्राचीन समाज। कार्ल मार्क्स के अनुसार इन समाजों का सही क्रम बताना है। 3-1-2-4, 2-4-3-1, 3-4-2-1, 2-1-3-4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। समाज के इन प्रकारों को कार्ल मार्क्स के अनुसार सही क्रम, उन्होंने जो क्रम बताया था वही बताना है। राइट आंसर क्या होगा। तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले आदिम साम्यवाद की बात की थी, उसके बाद उन्होंने प्राचीन समाज की बात की थी, फिर सामंती समाज, उसके बाद मध्यवर्गीय समाज। 2-4-3-1, 2-4-3-1। सबसे पहले आदिम साम्यवाद, फिर प्राचीन समाज, फिर सामंती समाज, उसके बाद मध्यवर्गीय समाज। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेलकॉट पार्सन्स के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समस्याओं को हल करते हैं। विन्यास, अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्त, अनुकूलन, समाकलन। कौन सा कथन इसमें सही है? पार्सन्स के अनुसार पूछा है कि प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समस्याओं को हल करते हैं। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, विन्यास, अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्त, अनुकूलन, समाकलन। तो केवल एक सही है या एक और दो सही है, दो और तीन सही है या 1-2-3-4 सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। कार्ल मार्क्स ने क्रिया व्यवस्था के लिए चार विद्यमान समस्याओं या आवश्यकताओं को अवधारणाकृत किया था, जिसमें अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, समाकलन, विन्यास, अनुरक्षण। तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ये चारों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौम रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक अंतर्लयन, समंजन, निर्जात केंद्रवाद, सांस्कृतिक उभयभाविता। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, निर्जात केंद्रवाद, जहाँ पर संस्कृति दूसरे संस्कृत की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ मानती है, वहाँ पर निर्जात केंद्रवाद होगा। और निर्जात केंद्रवाद के सर्वप्रथम प्रयोग जो है शमनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ है? हमारे मानने हेतु कोई सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टि अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से ही तय होती है। सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं। यह विश्वास कि अपनी संस्कृति अन्य की संस्कृति से श्रेष्ठ है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब अभौतिक संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक समायोजन हेतु आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता। लेकिन पुरानी प्रथाएं चलती रहती हैं और काफ़ी हानिप्रद परिणाम को लाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सांस्कृतिक वंचन, सांस्कृतिक पश्चता, सांस्कृतिक प्रसरण, सांस्कृतिक निर्धारणवाद। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जब अभौतिक संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं होता है जब तक समायोजन हेतु आवश्यक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन पुरानी प्रथाएं चलती रहती हैं और काफ़ी हानिप्रद परिणाम को लाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सांस्कृतिक वंचन, सांस्कृतिक पश्चता, सांस्कृतिक प्रसरण, सांस्कृतिक निर्धारणवाद। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सांस्कृतिक पश्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को सामान्यतः क्या कहते हैं? संक्रमण, प्रसरण, संस्कृतकरण, विभेदीकरण। एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दो कथन दिया गया है। अशोधित मृत्यु दर जनसंख्या की आयु संरचना से अत्यधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन सेकंड है, जन्म पर आयु संभाव्यता किसी देश की मृत्यु पर दशाओं की एक उत्तम माप है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के जीवित रहने के संभाव्य वर्षों की औसत संख्या के आकलन के लिए प्रत्येक आयु पर चालू जन्म दरों का प्रयोग कर आयु संरचना के लिए समायोजन करती है। ऑप्शन में है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? अशोधित मृत्यु दर जनसंख्या की आयु संरचना से अधिक प्रभावित होती है। जन्म पर आयु संभाव्यता किसी देश की मृत्यु पर दशाओं की एक उत्तम माप है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के जीवित रहने के संभाव्य वर्षों की औसत संख्या के आकलन के लिए प्रत्येक आयु पर चालू जन्म दरों का प्रयोग कर आयु संरचना के लिए समायोजन करती है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक और दो, दोनों होगा। दोनों इसमें, दोनों ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें दो कथन, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में कानून से क्या अभिप्राय है? अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक प्रतिमानों में बदलना, अस्पष्ट दायित्वों एवं विशेषाधिकारों को अधिकारों एवं कर्तव्यों, दायित्वों का क्षेत्र औपचारिक दायित्वों का क्षेत्र, विशेष प्रकार के कार्यों से दूर रखने के लिए लोगों पर अधिरोपित भय। एक दो चार, एक तीन चार, एक दो तीन, दो तीन चार। समाज में कानून से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक प्रतिमानों में बदलना। ये है औपचारिक दायित्वों का क्षेत्र, यह है, और विशेष प्रकार के कार्यों से दूर रखने के लिए लोगों पर अधिरोपित भय, ये है। एक तीन चार, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? कोहेन, दुर्खीम, मर्टन, एलके व्हाइट। किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड,
रॉबर्ट के मर्टन ने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। ब्राउन चार प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएँ, मर्टन संदर्भ समूह, दुर्खिम सामाजिक तत्व, कूले प्राथमिक एवं गौड समूह। राइट आंसर बताइए कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। तो मर्टन ने संदर्भ समूह दिया, ये सही है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य दिए, ये सही है। कूले ने प्राथमिक समूह, गौड समूह दिया, ये सही है। और प्रचार प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएँ ये जो है पार्सन्स ने दिया है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम क्या है। नाटकीय प्रतिवेश, सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्थानीकरण की प्रणाली, भूमिका अनुकूलन प्रक्रिया। गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम है। तो गॉफमैन के अनुसार पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा नाटकीय प्रतिवेश। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है। गॉफमैन ने सामाजिक जीवन का विश्लेषण करने के लिए रंगमंच की उपमा का प्रयोग किया है। वे स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार भूमिकाएं अदा करते हैं और विभिन्न स्थितियों में एक दूसरे के समक्ष अपनी छवि प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है। कोट क्रम पद को परिस्थिति कहते हैं। सामान्य संस्थात्मक प्रणाली में पद को परिस्थिति कहते हैं। समूह के द्वारा व्यक्ति की योग्यता के अनुमान को परिस्थिति कहते हैं। व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को परिस्थिति कहते हैं। राइट आंसर बताइए, परिस्थिति के संदर्भ में गलत कथन बताना है, कौन सा सही नहीं है। राइट आंसर बताइए, तो कोटि क्रम पद को परिस्थिति कहते हैं, ये सही है। सामान्य संस्थात्मक प्रणाली में पद को परिस्थिति कहते हैं, ये सही है। समूह के द्वारा व्यक्ति की योग्यता के अनुमान को परिस्थिति कहते हैं, ये सही है। व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को परिस्थिति कहते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस विन्यास से भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है। प्रतिमानहीनता, श्रम स्तरीय गतिशीलता, उद्विकासात्मक प्रक्रिया, संदर्भ समूह मॉडल। राइट आंसर बताइए, सामाजिक परिवर्तन के किस विन्यास से भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है। तो इसमें राइट आंसर है संदर्भ समूह मॉडल। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। कूले प्राथमिक समूह, पार्सन्स प्रत्यक्षवाद, मर्टन संदर्भ समूह, शमनर अंतः समूह, बाय समूह। राइट आंसर बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो कूले ने प्राथमिक समूह दिया है, मर्टन ने संदर्भ समूह दिया, शमनर ने अंतः और बाह्य समूह दिया है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉम्प्टन ने दी है, पार्सन्स ने नहीं दी है। ऑप्शन सेकंड ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को प्राथमिक समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जननिक, स्वाभाविक, अंतर समूह, समरक्तता, जननिक, ऐच्छिक, अंतर समूह, संघ, जननिक, स्वाभाविक, बहिर्समूह, संस्था, स्वाभाविक, संस्थात्मक, समरक्तता, संघ। राइट आंसर बताइए, परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को प्राथमिक समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों ने किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया है। राइट आंसर बताइए, तो परिवार प्राथमिक समूह है,
तो इसमें ये ऐच्छिक नहीं होगा, संघ नहीं होगा। प्राथमिक समूह इसमें जो है अनिवार्य होना चाहिए। बहिर नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट गए। और इसमें जो है संघ नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जननिक स्वाभाविक अंतर समूह और संरक्तता, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सापेक्ष वंचन को सबसे पहले प्रयुक्त किया? स्टाउफर, मर्टन, समनर, एंडरसन, राइट आंसर बताइए। सापेक्ष वंचन को किसने सबसे पहले दिया? तो सापेक्ष वंचन की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्रोफेसर सैमुअल स्टाउफर ने अमेरिकी सिपाहियों के अध्ययन में किया था, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक दूरी मापक्रम का विकास किया? एल गुटमैन, पॉलिन यंग, गुडेओम हार्ट, बोगार्डस। किस लेखक ने सामाजिक दूरी माप क्रम का विकास किया है? तो सामाजिक दूरी माप क्रम की बात जो है बोगार्डस ने की है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक सामाजिक विरोध का कारण माना जाता है? संपूर्ण वंचन, उत्पीड़ितों की सामाजिक लामबंदी, सापेक्ष वंचन, संपूर्ण गरीबी, राइट आंसर बताइए। कौन सा एक सामाजिक विरोध का कारण माना जाता है, राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सापेक्ष वंचन। सापेक्ष वंचन सिद्धांत ये आग्रह करता है कि जब लोग सापेक्षिक रूप से अपने आप को वंचित कर पाते हैं, तब वे संगठित होकर किसी न किसी आंदोलन को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमान क्या है? नियम जिसका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है, कानून जिसकी अवहेलना प्रायः दंडनीय होता है, सिद्धांत जिन्हें समाजशास्त्र में सामान्य माना जाता है, संहिताएं जो पवित्र ग्रंथों में निर्धारित की गई हैं, सामाजिक प्रतिमान क्या है, राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है नियम जिसका समाज में पालन होना अपेक्षित है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है? वे सामान्यता, पालन, संस्वीकृत, समूह क्रिया, कौन इसमें सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, समूह क्रिया। सामाजिक संरचना का अंग समूहों की सामाजिक क्रिया है, न कि समूह क्रिया, जबकि वे सामान्यता, पालन और संस्वीकृत ये संरचना के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है? मूल मतैक, सापेक्ष स्थिरता का अनुरक्षण, संरचनात्मक अंतर्निर्भरता, प्रतिमानहीनता की दशा। प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मूल्य मतैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृत स्वयं को प्रबल संस्कृत में विलीन कर देती है? अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातकरण, पर संस्कृत ग्रहण,
किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृत स्वयं को प्रबल संस्कृत में विलीन कर देती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार प्रतिपादित समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। जब सही तथा गलत के बारे में व्यक्ति अपने माता पिता के विचारों को आत्मसात कर ले तथा उसमें पराहम का विकास होता है, तब उसमें पराहम का विकास होता है। व्यक्ति के इदम का तार्किक अंश अहम के रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति का जीव बाह्य संसार के संपर्क में आता है। इदम में संग्रहित सहज प्रवृत्तियाँ बाह्य संसार में संतुष्ट खोजती हैं। सही क्रम बताना है। पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण का सही क्रम बताना है। 2143 43 21 23 41 41 23 राइट आंसर बताइए क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा, इदम में संग्रहित सहज प्रवृत्तियां बाह्य संसार में संतुष्ट खोजती हैं। व्यक्ति का जीव बाह्य संसार के संपर्क में आता है। व्यक्ति के इदम का तार्किक अंश अहम का रूप धारण कर लेता है। जब सही तथा गलत के बारे में व्यक्ति अपने माता पिता के विचारों को आत्मसात कर ले, तब उसमें पराहम का विकास होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। पहले फोर सही क्रम इसमें पूछा है समाजीकरण के बारे में, तो पहला फोर आएगा, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ये क्वेश्चन आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन इसका सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए को कहते हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, पवित्र विवाह, आर्ष विवाह। राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में दी जाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, देव विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें मुसलमानों में एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है यदि वह पति को क्षतिपूर्ति दे दे, इससे पति की सम्मति होनी आवश्यक है। तलाक के उस प्रकार को कहते हैं मेहर, तफवीज, खुला राक्षस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, खुला। खुला में पत्नी तलाक की इच्छा व्यक्त करती है और मेहर, जो मेहर उसे मिला रहता है विवाह के समय जो धनराशि तय होती है उसे वह मेहर छोड़ने को कहती है। दोनों की सहमति पर तलाक होता है। इसका राइट आंसर है खुला। इसमें जो है पत्नी तलाक की बात करती है, विवाह से मुक्त होना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह को क्या कहा जाता है? गंधर्व, पैचास, पैसाच, आर्ष, राक्षस। पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, राक्षस विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गोंड द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच विवाह को कहते हैं शहद लौटवा, घी लौटवा, पानी लौटवा, दूध लौटवा। राइट आंसर बताइए। मध्य प्रदेश के गोंडों द्वारा, गोंड जनजाति द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? गोंड जनजाति में बेलिंग सहोदरज विवाह होता है, इसे दूध लौटवा कहते हैं। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच हुए विवाह जिसमें महिला उच्च स्तर की सदस्यों को
क्या कहते हैं? प्रतिलोम, अनुलोम, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह। राइट आंसर बताइए। ऐसे विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच हुए विवाह जिसमें महिला उच्च स्तर की सदस्य हो को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है जिसमें महिला उच्च स्तर की होती है तो वो प्रतिलोम विवाह होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को सस्त्रीक बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है? अनेक बहनों का एक पुरुष से विवाह, पति की मृत्यु के पश्चात एक महिला का पति के भाई से विवाह, एक पुरुष का अपनी बहन की पुत्री से विवाह, एक पुरुष का अपनी बहन के पति की बहन से विवाह। राइट आंसर बताइए क्या होगा। किस स्थिति को सस्त्रीक बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनेक बहनों का एक पुरुष से विवाह। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता है? भील, संथाल, नायर, नागा। परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता है किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता है? भील, संथाल, नायर, नागा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड नायर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा से श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया? संस्कृतकरण, निरपेक्षतावादीकरण, पाश्चात्यकरण, आधुनिकीकरण। किस अवधारणा से श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है संस्कृतिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता है? विधवा विवाह, शाली विवाह, बहुपत विवाह, देवर विवाह। अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता है? तो वो देवर विवाह है, इसको लेविरेट मैरिज भी कहते हैं। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। देवर विवाह प्रथा के अनुसार एक विधवा अपने पति के किसी भी एक भाई से विवाह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे? असुर, राक्षस और पैशाच, ब्रह्म, असुर, आर्ष और गंधर्व, राक्षस, देव, प्रजापति और पैशाच, ब्रह्म, आर्ष और राक्षस। राइट आंसर बताइए। पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे? अवांछनीय विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट असुर, राक्षस और पैशाच। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समुदाय में दो या अधिक सगोत्री अवयव हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? मोइटी, फैटरी, बहिर्विवाही कुल, अंतर्विवाही कुल। जब समुदाय में दो या अधिक सगोत्री अवयव हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे फैटरी कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, परिहास संबंध, मॉर्गन, वर्जना, एफ जे पेडलर, वर्गात्मक पदावली, दुर्खीम, टोटम और फ्रेजर। 1 4 2 3 2 3 1 4 1 3 2 4 2 4 1 3। राइट आंसर बताइए।
परिहास संबंध ये है, ऑप्शन सेकंड एफ जी पेडलर वर्जना। और इसमें वर्जना है फ्रेजर का। वर्गात्मक पदावली ये है मॉर्गन का। टोटम वाद ये है दुर्खीम का। 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर। परिहास संबंध एफ जे पेडलर वर्जना फ्रेजर वर्गात्मक पदावली मॉर्गन टोटम वाद दुर्खीम। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल से और भी लोगों को जोड़िए। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, जिस क्वेश्चन में डाउट हो। तो क्लास बंद करते हैं। थैंक यू।